दोस्तों इसमें टोटल 20 सेट डलने हैं। 10 सेट जो है वो एक साइड के हैं और 10 सेट जो है वो दूसरी साइड के हैं। दूसरी साइड भी हमारी शुरू होने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करनी है। दोस्तों इस सेट की भी हमने 26 टर्न डालनी है। इससे कम टर्न डालेंगे तो हमारा आर्मेचर जो है वो जल्दी जल जाएगा। दोस्तों इसकी भी हमारी 26 टर्न मुकम्मल हो चुकी है, तो हम अब इसका कुंडे के साथ कनेक्शन करेंगे। इंसुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से उतारनी है ताकि कोई भी कुंडा मिस ना रहे। तो साथ ही साथ आपने सेट को भी बिठाना भी ज़रूरी होता है ताकि बाकी सेट भी इसमें मुकम्मल पूरे आ सकें। ये भी हमारा सेट बनेगा 1 से 5 की पिच में, 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ तक हमारी एक साइड है, अब हम इस सेट के बाद दूसरी सेट जो है ना दूसरी साइड की वो हम स्टार्ट करेंगे। हर स्लॉट का तकरीबन सेट जो है ना वो आपने टाइट डालना है। कॉइल का जो रुख है वो पीछे की तरफ है। ये हमारे 26 टर्न मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने कम्यूटेटर के साथ इसका कनेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ तक हमारी एक साइड अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अब हमने दूसरी साइड शुरू करनी है ताकि हमारी एक साइड मुकम्मल हो जाए। दोस्तों अब हम इसका इस कुंडे के साथ कनेक्शन करेंगे। साथ ही सेट को जो है ना वो आपने प्रेस ज़रूर करना है ताकि कोई भी तार जो है वो लूज़ ना रहे। दोस्तों अब ये हम दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरी कॉइल का सिरा है, इसकी सबसे पहले इंसुलेशन उतारनी है। दोस्तों वीडियो में बार बार बताने का मकसद ये है कि इंसुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से उतारनी है। अगर इंसुलेशन में एक भी स्लॉट आपका मिस हो गया ना कम्यूटेटर का तो ये क्रॉस हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया था ये वाला, ये इधर से अब हमने स्टार्ट करना है ये वाला कुंडा। ये इधर से अब ये हमने इधर से हमने स्टार्ट करना है ये जो हमने निशान लगाया हुआ था। इसकी भी 1 से 5 की पिच है, 1 2 3 4 5। इसके भी तकरीबन सेट जितने भी हैं ना वो 1 से 5 की पिच में हैं और टर्न जो है वो 26 26 टर्न है। ये 12 वोल्ट का फार्मूला तकरीबन 26 टर्न में होता है। तार जो है वो टाइट रखनी ज़रूरी है।
कोई भी आर्मेचर आप बनाएंगे ना, उसमें तार जो है ना वो लूज नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों इसकी भी 26 टर्न जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसका भी कनेक्शन जो है कम्यूटेटर का वो आगे की तरफ है। और सेट को जो है वो नीचे बैठाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बाकी के सेट जो हैं वो आसानी से पूरे आ सकें। दोस्तों अब हम अगला सेट शुरू करेंगे इसका। इसकी भी पिच जो है 1, 2, 3, 4, 5 एक से पाँच की पिच है। इसके भी टोटल सेट जितने भी हैं ना सब की 26-26 टर्न है। दोस्तों साथ में सेट जो है वो भी बिठाई रखने हैं ताकि टोटल हमारे सेट जो हैं वो इसमें आसानी से आ सकें। दोस्तों इसके भी 26 टर्न जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमें इसके जो है इंसुलेशन उतारेंगे तार की। अब हम इसे अगला सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसके भी जो हैं वो 26 टर्न मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम कनेक्शन करेंगे इससे अगले कुंडे में। दोस्तों कोई भी आर्मेचर आप अगर बनाते हो ना तो उसमें अगर सेट पीछे की तरफ हैं तो कनेक्शन भी पीछे की तरफ होंगे, अगर सेट जो हैं वो आगे की तरफ हैं तो कनेक्शन भी आगे की तरफ होंगे। अगर आप साथ साथ सेट को बिठाएंगे तो आपके मुकम्मल सेट जो हैं वो अच्छे तरीके से आएंगे। इसकी भी 1 से 5 पिच है। दोस्तों इसकी भी 26 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इसका कनेक्शन जो है वो करेंगे।
दोस्तों आर्मेचर में सिर्फ मुश्किल ये होता है कि स्टार्ट जो है ना आर्मेचर का वो लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ठीक से समझ आ जाए तो उन लोगों के लिए तो आसान है बनाना। अगर आपका स्टार्ट जो है वो ठीक से हो तो आपका पूरा आर्मेचर ठीक से वाइंड होगा, कनेक्शन भी आपके पूरे ठीक से आएंगे। अगर आपके कनेक्शन में कोई फ़र्क होगा तो स्लॉट फिर पूरे नहीं होंगे। दोस्तों इसकी भी 26 टर्न हमारी मुकम्मल हो गई है। ये अब हम इंसुलेशन उतार के लगाएंगे कम्यूटेटर के कुंडे के साथ। दोस्तों अब अगला सेट हमने शुरू किया। दोस्तों इसके भी 26 टर्न मुकम्मल हो चुके हैं। इसका भी जो सेट है वो 1 से 5 की पिच है। दोस्तों दूसरी साइड के भी जो है 7 सेट मुकम्मल हो गए हैं। टोटल सेट जो है वो 10-10 हैं। दोस्तों इसके भी 26 टर्न मुकम्मल हो गए हैं। दोस्तों ये सेट बिठाने से ना तकरीबन सारे सेट जो हैं वो आसानी से पूरे आ जाएंगे। कॉइल को जो तार को वो आपने टाइट तरीके से लगाना है कॉइल में।
ये भी हमारे 26 टर्न मुकम्मल हो गए हैं। दोस्तों इसके भी 26 टर्न मुकम्मल हो गए हैं। दोस्तों ये एक साइड का आखिरी सेट है, ये एक साइड मुकम्मल हो चुकी है इसकी, ये हम आखिरी सेट डाल रहे हैं इसमें। दोस्तों ये हमारी लास्ट कॉइल का जो है वो 26 टर्न मुकम्मल हो गया।